फिल्म की शुरुआत में हमें तीन तरह की दुनिया दिखाई जाती हैं। एक हमारी दुनिया यानी पृथ्वी, एक नर्क की दुनिया और एक ऐसी दुनिया जहां शक्तिशाली लोग रहते हैं। ये तीनों दुनिया के लोग आपस में बहुत लड़ते थे क्योंकि हर कोई जीत कर शासन करना चाहता था। उनके इसी मन मुटाव के कारण ये तय था कि उनके बीच एक युद्ध होगा और इस फिल्म का नाम उसी युद्ध के नाम पर है, यानी कि मॉर्टल कॉम्बैट। इस युद्ध में जो जीतेगा वो दूसरे राज्यों पर राज करेगा और सब राज्यों को अपने में मिला लेगा। यहाँ जिस राज्य के लोग शक्तिशाली थे उसे आउटवर्ल्ड नाम दिया गया था और यहाँ का नेता नश्वर संग्राम युद्ध शुरू करना नहीं चाहता था क्योंकि वो खुद को बहुत ताकतवर मानता था और बिना किसी युद्ध के लोगों को मारता रहता था और यही सोचता था कि जब बिना युद्ध के ही मैं लोगों को मार देता हूँ तो फिर युद्ध करने का क्या फायदा। हमें फिल्म की शुरुआत में अतीत दिखाया जाता है जहाँ हम एक आदमी को देखते हैं। उसका नाम हांगसो था और वो पृथ्वी ग्रह का सबसे अच्छा योद्धा था। वो अपनी पत्नी, बेटे और अपनी प्यारी सी छोटी सी बच्ची के साथ रहता था और वो सब एक दूसरे के साथ काफी खुश रह रहे थे। पर एक दिन जब हांगसो घर पर नहीं था तब एक आउटवर्ल्ड का योद्धा उसके घर पर हमला कर देता है और इस इलाके के सभी लोगों को मारने लगता है और फिर वो हांगसो की पत्नी और बेटे के पास आता है। हांगसो की पत्नी ने अपनी बच्ची को अपने घर के बेसमेंट में छुपा दिया था लेकिन वो आदमी हांगसो की पत्नी और बेटे को बर्फ में जमा कर मार डालता है। अब हांगसो वापस आता है तो देखता है कि सभी लोग मर चुके हैं और फिर वो उस योद्धा से लड़ने लगता है और लड़ाई के दौरान वो दूसरे राज्य का योद्धा हांगसो को मार देता है। फिर हांगसो की आत्मा नर्क में राज करती है और फिर वहाँ पृथ्वी के नेता आते हैं जो वहाँ से हांगसो की छोटी बच्ची को निकाल लेते हैं जिसको उसकी माँ ने बेसमेंट में छुपा दिया था और फिर अपने साथ हांगसो का गिरा हुआ चाकू लेकर चले जाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है जहाँ हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड पहले ही 9 राउंड जीत चुका है और वो दुनिया पर राज करने के लिए तैयार था। लेकिन एक भविष्यवाणी ये भी थी कि हांगसो का खून कई युवाओं को एकजुट करेगा जो उस राज्य के खिलाफ लड़ेगा और अपने राज्य पृथ्वी की रक्षा करेगा। अब जो लोग राज्य के लिए वापस लड़ने के लिए चुने गए थे उनके शरीर पर एक निशान था। इनमें एक शख्स कोल भी है जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता है और उसे हांगसो और उसके चाकू के दर्शन सपने में होते रहते थे लेकिन वो ये नहीं जान पाया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि वही बाहरी दुनिया का योद्धा उसे मारने आता है लेकिन एक आदमी वहाँ आता है और उसे बचा लेता है। वो उसे सवारी प्रदान करता है और अपने दोस्त का पता देता है और उसे वहाँ जाने के लिए कहता है और वो आदमी खुद आउटवर्ल्ड के योद्धा से लड़ना शुरू कर देता है। तभी आउटवर्ल्ड का वो खूंखार योद्धा उसके हाथों को बर्फ से जमा कर उसमें ब्लास्ट कर देता है और उसके दोनों हाथ उखाड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि कोल और उसका परिवार उस दोस्त के घर पहुंच गया है। उस लड़की का नाम सोनिया था और वो उन्हें बताती है कि वो दोनों आर्मी में थे और हमें उन लोगों को खोजने का काम दिया गया है जिनके पास एक निशान था जो बताता है कि वो पृथ्वी के योद्धा हैं। हम उन पर रिसर्च कर रहे हैं। वो कोल को बताती है कि उसके शरीर पर भी वही ड्रैगन का निशान है जिसका मतलब है कि आप मौत का संग्राम भी लड़ेंगे और प्रकृति ने तुम्हें चुना है। कोल ने हंसते हुए कहा कि वो मजाक कर रही है। तब सोनिया कहती है कि नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, हमें योद्धा के लिए अन्य लोगों को भी ढूंढना होगा जिनके शरीर पर ये निशान है और तुम मेरी सहायता करोगे और मेरे साथ जुड़ोगे। सोनिया कोल को एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाती है जो बहुत गुस्से में था। उसके शरीर पर भी वही निशान थे। वो अभी बात कर ही रही थी कि वहाँ पर एक सरीसृप जैसे दिखने वाला प्राणी आता है। फिर वो उससे लड़ने लगती है और वहाँ की लाइट्स भी ऑफ हो रही थी लेकिन वो गुस्सा करने वाला आदमी उस गॉडज़िला जैसे दिखने वाले प्राणी को मार डालता है और अब कोई नहीं जानता कि पृथ्वी के योद्धाओं का प्रशिक्षण कहाँ होता है। लेकिन गुस्सा करने वाला आदमी जानता था लेकिन फिर वो कहता है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और वो किसी को बताने वाला नहीं है। सोनिया उसे कुछ पैसे देती है और वो मान जाता है और फिर वो एक विमान से वहाँ जाते हैं। ये जगह रेगिस्तान में एक मंदिर था जहाँ योद्धाओं को प्रशिक्षित किया जाता था और धरती की दुनिया के नेता ने इसे बनाया था। वहाँ उनकी मुलाकात एक मंदिर गाइड से होती है जो किंगडम अर्थ का योद्धा भी था। वहाँ पर पुराने जमाने के चित्र थे। फिर हम सोनिया के दोस्त को भी देखते हैं। उसने अपने हाथ खो दिए लेकिन उसके शरीर में इलेक्ट्रॉनिक हाथ जुड़े हुए थे। वो रोबोट के हाथों की तरह लग रहे थे और पृथ्वी पर आने वाले नेता के अलावा किसी और से जुड़े नहीं थे। वो वहाँ सभी योद्धाओं से मिलता है और उन्हें बताता है कि हमारे पास युद्ध के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है और आप लोगों में भी अभी कोई शक्ति नहीं है। तब आउटवर्ल्ड के नेता वहाँ आ जाते हैं अपने साथियों के साथ उन सबको मारने के लिए। तब अर्थ का नेता उनके बीच एक ढाल बना देता है जिसकी वजह से वो उन पर हमला ना कर सकें। और फिर हमें उस मंदिर के गाइड का भाई दिखाई देता है जो कहता है कि हमारे पास कई शक्तियां हैं, क्या हम उनमें शामिल नहीं हो सकते, आइए ट्रेनिंग लेते हैं। उसका भाई मान जाता है और अब वो योद्धाओं से ट्रेनिंग ले रहे थे लेकिन सोनिया ट्रेनिंग नहीं ले पा रही थी क्योंकि उसके शरीर में ना तो वो निशान था और ना ही उसके पास कोई सुपर पावर थी। ट्रेनिंग के दौरान सभी की महाशक्तियों को वापस प्रकाशित किया जा रहा था। जैसे मंदिर का गाइड अपने हाथों से आग जला सकता है और उसके भाई के पास एक अनोखी टोपी है जो ब्लेड की तरह काम करती है और वो गुस्से वाला आदमी अपनी आंखों से लेजर निकाल सकता है। लेकिन कोल के लिए अभी तक कोई महाशक्ति सामने नहीं आई थी। राज धरती के नेता उससे पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? आप महान नेता हांगसो जनजाति से हैं। मैंने सालों पहले उसकी बेटी की जान बचाई थी
और फिर तुम भी उसी जनजाति में बाद में पैदा हुए थे। लेकिन कोल जवाब देता है कि मैं इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहना चाहता हूँ। तब पृथ्वी के नेता उसे वापस अपने घर भेज देते हैं और कोल घर वापस जाकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आउटवर्ल्ड का नेता अपने योद्धाओं को युद्ध के लिए तैयार कर रहा होता है। वो उन्हें राज्य पृथ्वी पर हमला करने के लिए ले जाता है। आउटवर्ल्ड के सदस्यों में से एक उस गुस्से वाले आदमी को पैसे देकर अपनी तरफ कर लेता है और वो गुस्से वाला आदमी लालची था और वो मान भी जाता है, इसीलिए वो प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और उनके गिरोह में शामिल हो जाता है और अपनी लेजर की मदद से जो सुरक्षा कवच उस धरती के नेता ने बनाया था उसे हटाने लगता है। सुरक्षा कवच को नष्ट करके आउटवर्ल्ड के लोग पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं और पृथ्वी पर आकर लड़ाई शुरू कर देते हैं। सब एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और जब मंदिर का गाइड का भाई आउटवर्ल्ड के नेता को मारने वाला होता है तभी अचानक आउटवर्ल्ड से एक महिला योद्धा आती है और उस पर हमला कर देती है, लेकिन उसे ब्लेड की टोपी से दो टुकड़ों में काट दिया जाता है। और वो गुस्से वाला आदमी भी पृथ्वी के लोगों पर हमला कर रहा था। सोनिया का दोस्त भी पूरी ताकत में नहीं था और उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ जब कोल अपने परिवार के साथ था तब वो एक विशालकाय प्राणी को देखते हैं जो अचानक उस पर हमला करता है। जब कोल देखता है कि वो उसके परिवार पर हमला करने जा रहा है तो उसे गुस्सा आता है। अचानक उसकी महाशक्तियां प्रकट होने लगती हैं और उसका शरीर ढाल से ढकने लगता है और उसके हाथों में दो तलवारें दिखाई देती हैं जिनसे वो उस जीव को मारता है। कोल को अब अंदाजा हो गया था कि मंदिर पर भी हमला हो रहा है और यह दुनिया नष्ट होने वाली है और अगर यह सब होता है तो उसका परिवार भी कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। यही सोचकर वो वापस मंदिर जाता है जहां आउटवर्ल्ड की एक अन्य महिला सोनिया को मारने की कोशिश कर रही होती है और जब उसे पता चलता है कि सोनिया योद्धा नहीं है तो वो उसे छोड़ देती है। लेकिन तभी गुस्से वाला आदमी उस पर हमला करने आता है और वो उसे सुन्न कर देता है। तब हम देखते हैं कि सोनिया के दोस्त के हाथ अभी भी काम नहीं कर रहे हैं। वो बहुत कोशिश करता है, उसे गुस्सा आ रहा होता है और फिर अचानक से उसके रोबोटिक हाथ एक्टिव हो जाते हैं और उसे शक्ति मिलती है। वो इधर उधर से पत्थर उठाकर उस गुस्से वाले आदमी के ऊपर फेंकता है और सोनिया की जान बचा लेता है। जब आउटवर्ल्ड के नेता को पता चलता है कि कोल हैंक्सो के कबीले से है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है और उस पर हमला करता है। लेकिन उसी समय लीडर ऑफ किंगडम अर्थ एक ढाल बनाता है जहां वो सुरक्षित रूप से रह सकते हैं। वो सभी योद्धाओं को वहां टेलीपोर्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर आउटवर्ल्ड लीडर का विशेष योद्धा कोल पर हमला करता है। अपने गाइड द्वारा कोल को बचाने के लिए टेंपल गाइड का भाई वहां आता है लेकिन आउटवर्ल्ड का नेता उसे पकड़ लेता है और उसकी आत्मा निकाल लेता है। बदकिस्मती से वो बच नहीं पाता और फिर वो सभी उस ढाल में आ जाते हैं जहां वो सुरक्षित रहते हैं। फिर वहां किंगडम अर्थ के नेता कोल को एक चाकू देते हैं जो कि हैंक्सो का चाकू था। वो उसे बताता है कि अगर तुम युद्ध में इसका इस्तेमाल करोगे तो हैंक्सो की आत्मा तुम्हारी मदद करेगी। कोल कहता है कि हम योद्धाओं से सीधे सीधे लड़ेंगे और आखिरी में हम उनके स्पेशल योद्धाओं से लड़ेंगे ताकि उनमें से कोई हम पर हमला ना कर सके, और फिर वो सभी ऐसा ही करते हैं। सोनिया के दोस्त और मंदिर गाइड ने दो योद्धाओं को मार दिया। अब सोनिया उस गुस्से वाले आदमी को मारने के लिए किंगडम अर्थ में जाती है क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया था और उसके शरीर पर ड्रैगन का निशान था, फिर भी उसने धोखा दिया। सोनिया आखिरकार उसे मारने में कामयाब होती है और अब उसका निशान सोनिया के शरीर पर शिफ्ट हो जाता है और अब वो एक योद्धा बन जाती है। वो युद्ध में वापस आती है और उसकी महाशक्ति वहाँ प्रकट होती है और उसके हाथों से एक तरह की शक्ति निकलती है जो किसी की भी जान ले सकती है और वो अपनी शक्ति से आउटवर्ल्ड महिला योद्धा को मार देती है। इस बात का पता चलने पर आउटवर्ल्ड का नेता नाराज हो जाता है और अपने स्पेशल योद्धा को कोल के परिवार को जान से मारने का आदेश देता है ताकि वो जीत ना सके। जब कोल को इसका पता चलता है तो वो अपने परिवार के पास पहुंचता है और अपने परिवार की रक्षा के लिए लड़ने लगता है। लेकिन जल्द ही वो स्पेशल योद्धा अपनी बर्फ की शक्ति से उसे अपने कब्जे में ले लेता है और उसके हाथों को फ्रीज कर देता है। फिर कोल अपना चाकू निकाल लेता है लेकिन वो योद्धा उसके हाथ को घायल कर देता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। इस खून की मदद से किंग हैंगो को किंगडम हेल से मुक्त कर दिया जाता है लेकिन अब वो एक स्कॉर्पियन बन जाता है। वो अभी भी अपने परिवार से प्यार करता है। अब कोल और हैंगसो उस बर्फ वाले योद्धा से मिलकर लड़ते हैं। हैंगो नर्क से आया है इसीलिए वो अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करना शुरू कर देता है और उस योद्धा पर वार करता है और उसे जलाकर मार डालता है। कोल अपनी फैमिली को वहां से निकाल लेता है। हैंगसो उसे अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए कहता है और फिर वहां से चला जाता है। इस बीच राज्य के नेता और अन्य योद्धा कोल के पास पहुंच जाते हैं। आउटवर्ल्ड का नेता भी वहां आता है और गुस्सा हो जाता है। वो अपने सभी योद्धाओं की राख इकट्ठा करता है और कहता है कि इस बार तो तुमने मुझे हरा दिया लेकिन हम जल्द ही अपनी सेना के साथ वापस आएंगे। राज्य पृथ्वी का नेता जवाब देता है कि तुम बुरी तरह हार गए हो, अब चले जाओ। तब पृथ्वी के नेता अपने योद्धाओं से कहते हैं कि आज हम जीत गए लेकिन फिर से ये युद्ध हो सकता है और इसके लिए हमें और अच्छे योद्धाओं की जरूरत होगी। आखिरी में हम देखते हैं कि कोल एक इंसान को ढूंढने के लिए जाता है जो एक योद्धा भी है और वो योद्धा कोई जाना पहचाना शख्स ही है। वो कौन है ये अगले पार्ट में पता चलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपके लिए लेकर आएं तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।